उठापटक के बीच बीजेपी ने बहुमत परीक्षण कराने के लिए खटखटाया उच्चतम न्यायालय का दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा बीजेपी की याचिका पर सुनवाई। मध्य प्रदेश में बहुमत परीक्षण पर फिर बना सस्पेंस। राज्यपाल ने कमलनाथ को पत्र लिखकर विधानसभा में आज बहुमत परीक्षण कराने का दिया आदेश। स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए किया है स्थगित। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने किया राज्यसभा के लिए मनोनीत। विपक्षी सांसदों ने उठाए सवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को रंजन गोगोई के लिए बताया इनाम। आज लखनऊ में एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपना पक्ष रखेंगे डॉक्टर कफील। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। एनएसए लगने के बाद से मथुरा जेल में बंद हैं कफील। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की हिरासत पर आज होगी सुनवाई। उमर की बहन सारा पायलट ने दायर की है याचिका। कपिल सिब्बल करेंगे उमर अब्दुल्ला के केस की पैरवी। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाली को लेकर आज प्रशासन की अहम बैठक। फिलहाल कश्मीर में जारी है ब्रॉडबैंड और 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद से रोक दी गई थी इंटरनेट सेवा। देश के बुजुर्गों की देखभाल और कल्याण के लिए केंद्र सरकार बहुत जल्द लेकर आएगी नीति। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोकसभा में दी जानकारी। बच्चों को मिलेगी आर्थिक मदद। देश में 126 तक पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में 3 साल की बच्ची भी पीड़ित। मुंबई पुलिस ने धारा 144 की लागू। केरल में 25 लोगों की पुष्टि। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटे खिलाड़ियों पर कहर बना कोरोना वायरस। अजरबैजान में फंसी भारतीय कुश्ती टीम। होटल में बंद है खिलाड़ी। कोरोना से बचाव की तैयारी में राम भक्तों को मिलेगा रामनवमी का बड़ा तोहफा। घर बैठे देख सकेंगे जन्मभूमि से रामलला का जन्मोत्सव। दूरदर्शन पर हो सकता है प्रसारण। थमने का नाम नहीं ले रहा कोरोना वायरस का कहर। चीन में अब तक 3,226 लोगों की मौत। दुनिया के दूसरे देशों में कुल 3,938 लोगों ने गवाई जान। कोरोना के कहर के बीच अमेरिका में वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना राष्ट्रीय आपदा घोषित। पाकिस्तान में संक्रमित मरीजों की संख्या 180 के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फ्रांस ने सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का किया फैसला। 15 दिन के लिए रोकी जाएंगी सभी गतिविधियां। अमेरिका और रूस के बीच 2021 में शामिल होने वाले हथियार नियंत्रण संधि पर चल रही है समझौता वार्ता। चीन ने ठुकराया वार्ता में शामिल होने का प्रस्ताव। मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है त्रिपक्षीय हथियार नियंत्रण वार्ता। अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के नेता जो बिडेन ने किया महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का दावा। राष्ट्रपति पद की दौड़ में बर्नी सैंडर्स से आगे चल रहे हैं बिडेन। अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 अप्रैल को। रेपो रेट घटा सकता है भारतीय रिजर्व बैंक। गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिए संकेत। परेशानी में फंसे यस बैंक को बड़ी राहत। मूडीज ने बढ़ाई रेटिंग। आउटलुक किया पॉजिटिव। आरबीआई के बैंक को संभालने का प्लान बनाने के बाद बढ़ी रेटिंग। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 5वें दिन गिरावट के बाद आज नहीं हुआ कोई बदलाव। दिल्ली में 69.59 रुपए और मुंबई में 75.36 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है पेट्रोल। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की सपाट शुरुआत। सेंसेक्स 129.43 अंकों की गिरावट के साथ 31,260 पर खुला। निफ्टी में 88 अंकों की गिरावट। मारुति ने बाजार में उतारी BS6 मारुति सुजुकी इको एस CNG। 12 वेरिएंट और अलग अलग सिटिंग ऑप्शन में उपलब्ध।